सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है कुंदन और आप लोग देख रहे हैं कुंदन व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता कि अयोध्या टूर में कर रहा हूँ और काफी खूबसूरत सा यहाँ का नजारा सब लोग दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये तो अभी मैं फिलहाल चल रहा हूँ हनुमान गढ़ी की ओर और मैं इस रास्ते जाए जो कि श्री राम भगवान का मंदिर है उस मंदिर से जस्ट निकले और अभी चल रहा है हनुमान गढ़ी के किला। जैसा कि देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम ये चल रहा है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ सारा चीज़। और ये सामने कुछ हिस्से जो देख रहे हैं ना, ये वो हिस्सा है जो बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा था जो इसको तोड़ दिया गया है और कुछ कुछ बच्चा तो इसे भी तोड़ ही दिया जाएगा। और फिलहाल देख सकते इस रास्ते से भी बंदा और ये यहाँ पे हम लोग इस रास्ते से भी चलते, जैसे कि हनुमान राम भगवान मंदिर से निकले तो सामने वाला रोड जाता है जो हनुमान गढ़ी की ओर ले जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हनुमान गढ़ी की और आप लोग हनुमान गढ़ी की पास मिलते हैं। तो चलिए, और ये सामने देख सकते कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से एकदम क्लियर चल रहा है और ये देखिए टूट फूट के एकदम पूरा एकदम हटा दिया गया है। इसी रास्ते से हनुमान गढ़ी की ओर जाता है और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। छोटे छोटे मतलब यहाँ पे रोड पे जो है ना ये सब दिया जाता है, जो दुकान वाला जो पूजा का सामान ये होता है ना, हार माला हुआ जो भी अंगूठी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ आपको रास्ते में मिल जाएगा। आप इनका शौकीन है तो आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से। सामने यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे भी दिख रहा है वही चक्रवर्ती महाराज का राजमहल जो काफी खूबसूरत से यहाँ गेट बना हुआ है। अंदर पता नहीं क्या चीज़ का है तो अंदर जाने के बाद ही पता चला। तो चलिए आप लोग मेरे साथ अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या अंदर का सीन है, तो आप लोग को ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए अंदर ही मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट। गाइस अभी देख सकते हैं यानी फर्स्ट दरवाजा जो पीछे हमारे जो देख सकते हैं इसके अंदर जाने के लिए पीछे दो दरवाजा मिल रहा है हमको। तो ये फर्स्ट दरवाजा क्रॉस किया और ये सेकंड दरवाजा यहाँ पे मिला, इसके अंदर भी हम लोग को चलना है। तो अंदर में कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बाहर का नज़ारा जो है जो होता है क्या बोलता है इसको बरंडा टाइप का होता है ना जो वो इस तरह का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर अंदर में कीर्तन उर्तन भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अंदर चलते हैं और अंदर में देखते हैं क्या हो रहा है और क्या चीज़ का मूर्ति भगवान हुआ है, तो अंदर जाने की बात पता चलेगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अंदर का नज़ारा जो है ना काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत और मंदिर जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है अंदर में। तो गजब कश्मीर यहाँ के नियम प्रशासन हर जगह पे मौजूद है। यहाँ इतना कड़ा शासन चल रहा है ना कि आप उनके बिना परमिशन करे पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिस तरह से यहाँ पूरा टाइट चल रहा है सिक्योरिटी एकदम। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर में देखते हैं क्या चीज़ है। तो अंदर का अंदर आप सामने देखते तो मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का भव्य मंदिर अंदर में मूर्ति बैठाया हुआ है। तो चलिए अंदर डायरेक्ट देखते हैं आपको लेके। ये देखिए सामने वाले कुछ है ना काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए सामने यहाँ कुछ इस तरह का बहुत बड़ा नज़ारा देख सकते हैं सामने। और यहाँ से श्रद्धालुओं लोग जो है ना दर्शन करके ये लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखिए यहाँ का सीन है कुछ, और अंदर का नज़ारा बनावट देख सकते क्या खूबसूरत है गाइस, देख सकते हैं। और ये देखिए दंड बैठक यानी जो उनका जो होता है वो करने का, ये देखिए क्या सीन है ना, बहुत ही खूबसूरत सीन यहाँ को देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। सामने मंदिर मतलब भगवान की मूर्ति बैठा हुआ है जो आप लोग को अभी चल के दिखाते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं कुछ नज़ारा है यहाँ। बाबा यहाँ कौन कौन सा मतलब भगवान यहाँ पे है? ये चारों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न बीच में विराजमान है। चारों भाई यहाँ पे है ना बाल स्वरूप सब पत्नियों के साथ। तो सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री राम भगवान का मूर्ति यहाँ पे बैठा हुआ और चारों भाई का यहाँ पे जो है ना बराबर यानी मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है इस मंदिर में जो, और भगवान राम भगवान बीच में है और यहाँ चारों भगवान की मूर्ति है जो देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद जहाँ मंदिर था उसको तोड़वा दिया गया था, उस पर फिर जो मंदिर को वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिया, विवाद सरकार के द्वारा सुलझ गया क्या है। जय
जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने एक बाबे से, ये बाबे से पूछे थे ना कि ये कितना दिन पुराने मंदिर, बोला बहुत ही पुराना ये मंदिर है, जिस टाइम बाबरी मस्जिद भी था उसी टाइम पे ये मंदिर ही है, तो यहाँ पे मतलब पूजा उस टाइम भी होता था इस मंदिर में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये है अयोध्या नगरी का अयोध्या, जहाँ पे भगवान का जन्मों से पूजा यहाँ पे होता है और बहुत ही सालों से यहाँ पे पूजा हो रहा है, और यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी जो मंदिर का चमचमाहट जो है ना निखरता हुआ बाहर आ रहा है, जो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लगता है यहाँ पे देखो, और हर दिन ये लगभग 2000-3000 श्रद्धालु इस मंदिर के पास आ जाते हैं, और पता नहीं अयोध्या में कितना लोग आते हैं दर्शन करने को, उतना तो अंदाजा नहीं लगा सकते। बट चलिए हम लोग चलते हैं, इस महल से आगे निकलते हैं और आगे की ओर लेकर चलते हैं आप लोग को, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, अयोध्या पूरा टूर करने वाले हम लोग हैं आपके साथ, तो आप भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको। देखते हैं फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी, और यहाँ पे कुछ हमारे भैया जी मिले, तो फिलहाल चलिए उन लोग दर्शन करके आ गए और पूछते हैं वो लोग क्या है वहाँ का नज़ारा, वो लोग पहले बात करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं ये भैया लोग आए, कहाँ भैया आप लोग आए हैं? दिल्ली से। आपका नाम क्या है? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी का नाम क्या? कैसा मूर्ति कैसा भगवान है? अच्छा अच्छा, पूरा अयोध्या घूम लिए हैं? तो देखते हैं भैया घूम लिए पूरा अयोध्या, और अभी चलते हैं अंदर, मान घड़ी का मूर्ति ऊपर बैठा हुआ, तो ऊपर नहीं हुआ है, तो चलिए हम लोग चलते ऊपर, और भी देखिए श्रद्धालु कितना चल रहा है, तो चलिए चलते ऊपर, और ऊपर आप लोग को दिखा देते हैं नज़ारा क्या चीज़ का। ये कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे, यहाँ पे भगवान का चरण छू लेते हैं, और ये कुछ इस तरह का सीन है। सब देख सकते हैं मैं द्वार है, जिसके अंदर भी चलना है, तो अंदर चलिए चलते हैं, और यहाँ से अब अंदर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन डायरेक्ट आप लोग को मिलेगा देखने के लिए, तो चलिए डायरेक्ट अंदर चलते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा। ये देखिए कुछ भीड़ का माहौल, जस्ट हम अंदर में आए हुए हैं, और ये अंदर का सीन क्राउड एकदम बना हुआ, भीड़ इतना है ना कि आप लोग यहाँ पे सूट भी अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रसादी सब लोग चढ़ा रहे हैं देख सकते हो, तो चलिए चलते हैं, लाइन में लग के ही जाना पड़ेगा हम लोग को। आगे निकलते रहो भैया। जय 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 हनुमान गढ़ी का जो नज़ारा है अंदर का नज़ारा, ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हो रहा है। उसके अंदर भी हनुमान जी जो उनके अंदर था मूर्ति, जो अभी लोग आप लोगों को दिखाए थे उतना अच्छा नहीं दिखाने के लिए बना, क्योंकि वहाँ मोबाइल चलाने को वहाँ भी अलाउ नहीं था, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, अभी चलते हैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए इसके अंदर दिखाते हैं, और ये इसके अंदर क्या चीज़ है वो आप लोग खुद देखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा भगवान है, तो चलिए अंदर चलते हैं। कितना दिन से रह रहे हो भाई आप? कितना दिन से रह रहे हो यहाँ पे? बहुत सालों से रह रहे हो। कितना बजे बंद हो जाता है ये मंदिर? रात में 11 बजे तक चालू रहता है ना? तो देख सकते हैं, बता रहे थे हमारे सरकार जी यहाँ पे 11 बजे बंद हो जाएगा मूर्ति, और यहाँ पे चंदन टीका भी आप लोग लगा सकते हैं, और वो सामने देख सकते हैं राम भगवान की मूर्ति है जो देख सकते हैं, अंदर जो देख सकते हैं जो मतलब हनुमान जी में जो लीन रहते हैं वो लोग यहाँ पे देखे कथा उनका गाते रहते हैं, देख सकते हैं मतलब बुक तरीका से मिलता वो यहाँ पे पढ़ते रहते बैठते जब काफ़ी शांति एरिया रहता है, तो बैठ के भगवान में मतलब पूरा मगन हो रहा था, तो देख सकते सामने, और ये बाबा रहे जो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनका चरण छू रहे हैं, तो कुछ तो बजा उनके अंदर होगा तभी तो इनका चरण छू रहे हैं, सब लोग आते हैं अपना माथा टेक रहे हैं उन बाबे के पास, तो चलिए चलते हैं हम लोग इस बाहर निकलते हैं मूर्ति को, ये सामने देख सकते हैं बाहर ही निकल के आप लोग से फिर मिलते हैं। चलिए कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ के अंदर का, तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट बाहर में मिलते हैं आपसे।